वंडर ऑफ वाराणसी के नाम से इनका पेज है और काफी फेमस है ये पूरे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग गाइस। तो मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं पाथ फाइंडर अनिल। इस समय मैं हूँ बनारस में और बनारस के नमो घाट पे। 15 नवंबर को देव दीपावली है और आज जो तारीख है वो है 14 नवंबर। और किस तरीके से तैयारी की जा रही है नमो घाट पे इस देव दीपावली में, सारी जानकारी मैं दूंगा नमो घाट की। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए मेरे साथ घूमिए नमो घाट। नमो घाट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे पार्किंग वगैरह की काफ़ी अच्छा व्यवस्था बनाई गई है इस देव दीपावली को लेकर के। देव दीपावली जब नहीं भी होती है उस टाइम में भी यहाँ पे पार्किंग वगैरह काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस समय अगर मैं बात करूँ देव दीपावली को लेकर के तो और भी पार्किंग वगैरह को सेपरेट कर दिया गया है, 4-व्हीलर और 2-व्हीलर के लिए अलग अलग। अभी अंदर चल रहे हैं घाट के और आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरीके का लाइटिंग वगैरह लगा दिया गया है देव दीपावली को लेकर के। चलिए चलते हैं। नमो घाट के अंदर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि घाट के चारों तरफ काफ़ी बेहतरीन लाइटिंग्स वगैरह देव दीपावली को लेकर के लगा दी गई है। ये सारे लाइटिंग्स का यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है और कल जो है भव्य तरीके से देव दीपावली यहाँ मनाई जाएगी। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कि काफ़ी सारा लाइट्स जो है जल रही है और चारों तरफ, ना कि एक जगह पे, चारों तरफ हर एक चीज़ों को अच्छे तरीके से लाइट लगा करके सजा दिया गया है। आइए थोड़ा और आगे दिखाता हूँ। पहले नमो घाट पे ऐसे हाथ करके जो है 3 स्टैचू बनाई हुई थी जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और अगर मैं अभी बात करूँ देव दीपावली को लेकर के, थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे एक इस तरीके का जो है इधर भी बहुत बड़ा सा हाथ वाला स्टैचू जो है वो बना दिया गया है जो कि काफ़ी भव्य लग रहा है इस घाट पर। नमो घाट पे कल माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, उनका उपस्थिति यहाँ रहेगा और घाट पे जो है ऑलमोस्ट 10,000 से भी ज़्यादा दिया जलाने की तैयारी की जा रही है। जो मैं यहाँ लोकल अथॉरिटी से पूछा हूँ तो उन्होंने मुझे बताया है ये इन्फॉर्मेशन। और नमो घाट को काफ़ी अच्छे तरीके से सजा दिया गया है, भव्य तरीके से सजा दिया गया है। जगह जगह पर जो है लाइट्स वगैरह लगा दिए गए हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। नमो घाट पे ही टहल रहा हूँ। यहाँ पे जो है ऊपर में अभी अनुमति नहीं दिया जा रहा है घाट के आगे जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है अभी भी रात के 9:30 बज रहे हैं और भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और लोग यहाँ पे आ ही रहे हैं। ये घाट बनारस में नया ही बनाया गया था, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अब इस घाट का भव्यता जो है वो काफ़ी बढ़ गया है देव दीपावली में भी और नॉर्मल डे में भी। इस घाट का जो भव्यता है अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लोग जब भी बनारस आते हैं तो नमो घाट पे आते ही आते हैं। अभी मैं वाराणसी में घूम रहा था और मेरा काफ़ी मन था जो कि मैं जब भी बनारस आऊँ तो स्मृति आनंद मैम से मिलूँ,
वंडर ऑफ वाराणसी के नाम से इनका पेज है और काफ़ी फेमस है ये पूरे बिहार यूपी में और बनारस में तो स्पेशली ये फेमस है। अभी मैम को यूपी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इवेंट्स में मैम को बुलाया है और मैम स्पॉन्सरशिप भी करती रहती हैं। ये मेरा प्रमोशन कर रहे हैं बट इनका पेज बहुत अच्छा है, अगर आप इनको सब्सक्राइब नहीं करते तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते दोस्तों एंड स्पेशली नमस्ते बनारस। इतनी मेरी तारीफ नहीं करो भाई, आपका थैंक यू सो मच मैम। और आप बताइए जो कि इस बार क्या स्पेशल है देव दीपावली में? इस बार स्पेशल तो कह सकते हैं, दीपावली हर साल ही स्पेशल होता है। इस साल आपका लगभग 12 लाख दियों का आंकड़ा आ रहा है जो दिए लगाए जाएंगे घाट के आसपास। लेजर शो होगा आपका चेत सिंह घाट पे, उसके अलावा आपका फायर वर्क होगा ललिता घाट के ठीक अपोजिट, दशा समेत घाट के पास ललिता घाट है जो कॉरिडोर नया बना है, तो उसके अपोजिट आपका फायर वर्क होगा। तो ये दो चीज़ें होने वाली हैं। इसके अलावा आइए कल्चरल प्रोग्राम आपको घाट पे दिखता रहेगा, हर घाट पे कुछ ना कुछ शास्त्रीय संगीत आपका, कुछ ना कुछ इंडियन क्लासिकल फॉर्म में डांस वगैरह आपको दिखेगा और भी बहुत कुछ दिखेगा। काफ़ी सारे क्रिएटर्स मिलेंगे क्योंकि अभी सारा एक क्रिएटर ग्रुप सब बनारस में ही है, तो बनारस आइए, भीड़ थोड़ा अच्छे से मैनेज कीजिए, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कीजिए। और हाँ, आपने वो बोल रहा था, आपने बोली थी वो प्रॉपर्टी का कागज वगैरह लेकर के आने के लिए नाव बहुत महंगी होती है, जो मतलब कायदे से आपको बोट 100 रुपये में मिलती है शेयरिंग वाली, वो उस दिन आपको 2500-3000 की मिलती है। तो बोटिंग काफ़ी महंगी है और कुछ बोट वाले आपसे आपकी किडनी और जायदाद भी मांग सकते हैं, तो अपने रिस्क पे आइए बनारस में बोटिंग करने, बस यही बोलेंगे और क्या। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। बाय गाइस, इनको फॉलो कीजिए, हम मेरा पेज भी इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा। घाट पे एज यूजुअल खाने पीने का भी व्यवस्था जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। जब आप अभी तो देव दीपावली है इसीलिए इतना ज़्यादा भीड़ है, लेकिन जिस टाइम देव दीपावली नहीं भी होता है उस टाइम में भी नमो घाट में जो है आपको ये सारे शॉप जो हैं पीछे जो फूड के हैं वो दिख जाएंगे। तो फिलहाल काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया जा रहा है देव दीपावली के लिए, तो आप भी आइए और इन्जॉय कीजिए इस देव दीपावली को। तो फिलहाल नमो घाट को अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखा चुका हूँ। यहाँ पे मुझे स्मृति मैम भी मिली थी जो वंडर ऑफ़ वाराणसी के पेज की, जो वंडर ऑफ़ वाराणसी के नाम से जिनका पेज चलता है, मैम से काफ़ी देर तक बात भी हुई। तो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए पाथफाइंडर अनिल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।